नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल पे। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है, ये दूसरी टेस्ट सीरीज है। इसके पहले एक टेस्ट सीरीज आ चुकी है जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड थी, ये भी एग्रोनॉमी से ही रिलेटेड है। इसमें हम लोग 21 क्वेश्चन का लगभग डिस्कस करेंगे और उसको बहुत ही बढ़िया से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है ये और क्या है इसका आंसर। तो देखिए, जो ये पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हाइट इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम इज नोन एज। तो इस क्वेश्चन को कहने का ये मतलब है, कह रहा है कि जो प्लांट हैं उसको हम लोग ग्रो करा रहे हैं, लेकिन उनकी हाइट जो है वो डिफरेंट है। इसका कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कोई प्लांट जो होगा वो 5 मीटर होगा, तो दूसरा जो प्लांट होगा वो हो सकता है कि 4 मीटर का हो, और तीसरा जो प्लांट है हो सकता है 3 मीटर का हो, और चौथा जो प्लांट है हो सकता है 2 मीटर का हो। इस तरह से इनकी जो हाइट है वो अलग अलग है। इस प्रकार के प्लांट को हम लोग ग्रो करा रहे हैं, और जो ग्रो करा रहे हैं वो एक ही फील्ड में हम लोग ग्रो करा रहे हैं, इसको एक ही फील्ड में ग्रो करा रहे हैं और एक ही टाइम पे ग्रो करा रहे हैं। तो इस प्रकार की क्रॉपिंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की क्रॉपिंग को हम लोग कहते हैं मल्टीपल स्टोरेड क्रॉपिंग, या इसे कहते हैं मल्टीपल लेबल्ड क्रॉपिंग, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बी होगा, तो क्लियर हो गया। अब इसी में एक है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले, क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले दूसरी क्रॉप की सोइंग कर देना ही हम लोग उसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग को ही हम लोग कहते हैं, एक और नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग क्रॉपिंग इसे कहते हैं। रिले क्रॉपिंग से रिलेटेड एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है शेर सिंह बैन, इनका नाम है, जो रिले क्रॉपिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। चलिए, क्लियर हो गया तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फॉर द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ साकेत 4 राइस, ठीक है। साकेत 4 राइस के ट्रांसप्लांटिंग के लिए कह रहा है कि नर्सरी शुड बी, मतलब नर्सरी कितने दिन की ओल्ड होनी चाहिए, कितने दिन ओल्ड होनी चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 21 डेज ओल्ड, ठीक है। यानी बी ऑप्शन सही है, 21 डेज ओल्ड जो है नर्सरी होनी चाहिए इसके ट्रांसप्लांटिंग के लिए, साकेत 4 राइस के लिए। क्लियर हो गया। अब देखिए, राइस से रिलेटेड जब भी पढ़ा कीजिए, अगर इसकी नर्सरी से रिलेटेड है तो दो चीज़ें ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। एक होती है मैट टाइप नर्सरी, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन आता है मैट टाइप नर्सरी किससे रिलेटेड है, तो पैडी से रिलेटेड है। और दूसरा है डपोग मेथड, ठीक है। डपोग मेथड ये भी नर्सरी तैयार करने की एक विधि है। ये जो डपोग मेथड है इसमें भी 21 डेज में ही राइस की नर्सरी तैयार हो जाती है। और डपोग मेथड जो है इसमें पी छुपा हुआ है, पी का मतलब है फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला में ही है, क्या IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन सब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रो इन ऑल सीजन। ऑल सीजन का मतलब है कि तीनों सीजन में ग्रो की जाती है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो तीनों सीजन में ग्रो की जाती है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा मेज। अब एक बात, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि पूछा जाता है वह, मतलब मेज जो क्रॉप है वो तीनों सीजन में ग्रो की जाती है किस राज्य में, किस स्टेट में? तो है बिहार, ठीक है, बिहार, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेज तोरिया मूंग रोटेशन इज टर्म्ड एज ए सिस्टम ऑफ। तो मेज की बात कर रहा है, मेज तोरिया मूंग, इसमें रोटेशन पूछ रहा है इसकी कौन सा सिस्टम होगा। तो इसमें होगा रिले क्रॉपिंग,
ठीक है, तो रिले क्रॉपिंग इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो विजय वैरायटी है, अंबर वैरायटी है और सोना है, किसान है, ठीक है, तो ये एक कंपोजिट वैरायटी है, ये किसकी वैरायटी है? तो ये है मेज की, यानी सी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए यम मेज में ही वी छुपा हुआ है, देख रहे हो, तो वी का मतलब विजय और मेज में ही समझिए ए छुपा हुआ है, तो ए का मतलब ऐसे अंबर, मतलब इसको इसी तरह से याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, चलिए ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है मस्टर्ड का सीड रेट। देखिए मस्टर्ड का जो सीड रेट हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 4 से 6 kg, ठीक है, पर हेक्टेयर। यहाँ अगर ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन नज़दीक है, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और याद रखिएगा मस्टर्ड के सीड रेट से रिलेटेड। देखिए अगर प्योर मस्टर्ड की बात, अगर केवल जैसे मान लीजिए कि कोई खेत है, अब इसमें हमें सिर्फ मस्टर्ड की सोइंग करना है, तब तो ठीक है, तब अगर इसमें जो सीड रेट होगा वो 4 से 6 kg पर हेक्टेयर होगा। लेकिन अब मान लीजिए कोई फील्ड है जिसमें हम लोग इंटर क्रॉपिंग करना है इसकी, मेज की, ठीक है, तब फिर वहाँ ये इतना सीड रेट नहीं रह जाता, तब वहाँ 3 kg पर हेक्टेयर हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए मस्टर्ड के सीड रेट कितना होता है तो 3 kg पर हेक्टेयर, और अगर पूछे कि प्योर मस्टर्ड के सोइंग के लिए कितनी सीड रेट होती है या केवल मस्टर्ड का सीड रेट क्या होता है, तो 4 से 6 kg कर दीजिएगा। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं कि अब देखिए इसमें, अगर आप प्लांटिंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसके हार्वेस्ट करने से पहले ही दूसरी क्रॉप की सोइंग कर देना रिले क्रॉपिंग कहलाता है, इसी का दूसरा नाम है ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, क्लियर हो गया ये। अगला देखते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि डायरा लैंड, डायरा लैंड जो है आर क्या है? देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसमें डी राइट आंसर है। एरिया लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ रिवर विच गेट फ्लडेड एवरी ईयर, इसका कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए ये एक नदी है, ठीक है, नदी है, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है, अब नदी के ये देखिए किनारों पे दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, ठीक है, नदी के किनारों पे जो हो ये एरिया जो होता है ये वाला नदी के किनारों की तरफ, ठीक है, नदी किनारों वाला जो एरिया होता है इसी को हम लोग कहते हैं डायरा लैंड, ठीक है। अब क्या है कि इसमें बाढ़ आता रहता है, जब ये नदी का पानी आगे बढ़ता है इधर या इधर तो इसमें बाढ़ आ जाता है, ठीक है, जब बाढ़ आ जाती है तो मतलब ये क्या है, इसीलिए कहते हैं ये फ्लडेड होता है एवरी ईयर, प्रत्येक साल इसमें बाढ़ आती है। अब इस प्रकार की जो लैंड होती हैं यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वाटर मिलन या मस्क मिलन जिसे हम लोग कहते हैं तरबूज या खरबूज, इस प्रकार की खेती की जाती है, ठीक है, तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है इन शुगर केन वीट इंटरक्रॉपिंग, शुगर केन इज प्लांटेड इन द मंथ ऑफ, देखिए शुगर केन और वीट की जब इंटरक्रॉपिंग होती है तो जो शुगर केन जो होता है उसकी सोइंग की जाती है अक्टूबर में, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कह रहा है कि बरसीम सीड आर इनाकुलेटेड विद, देखिए हम लोग जब राइजोबियम की स्ट्रेंथ पढ़ते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं राइजोबियम जापोनिकम, राइजोबियम ट्राइफोलाई, ठीक है, राइजोबियम मेलिलोटाई,
तो इस तरह की जब स्ट्रेंस हम लोग पढ़ते हैं तो उसी में एक आता है, वही आता है राइजोबियम ट्राइफोलाई। और जो बरसीम होती है इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, ठीक है। तो इसी इसके ट्राइफोलाई से ही लिया गया है राइजोबियम ट्राइफोलाई। और इसको हम जो बरसीम का सीड होता है राइजोबियम ट्राइफोलाई से ही इनाकुलेटेड होता है, किया जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इसमें यही ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, क्लियर। चलिए ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वर्जिन ऑफ मेज क्रॉप इज, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो अमेरिका ही होगा, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट आइडियोटाइप, किसने दिया था, तो ये है सीएम डोनाल्ड, यही सही हैं, ठीक है, यही इनके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन के बारे में तो बहुत चीज़ें हैं इनके बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है एक तो यही आता है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इनको बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, और एक तो फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी इनको बोला जाता है, याद रखिएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी जिसको बोला जाता है वो है एम एस स्वामीनाथन सर हैं, ठीक है। अगर पूछे फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया तो आर डी मिश्रा हैं, एक रामदेव मिश्रा, ठीक है, तो भूलिएगा मत। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया तो आर डी मिश्रा, रामदेव मिश्रा। अगर पूछे फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसे कहा जाता है तो एम एस स्वामीनाथन सर को कहा जाता है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन सर ही क्या किए थे, जगन्नाथ की जो पैडी की जो म्यूटेंट वैरायटी है जगन्नाथ, उसको प्रोड्यूस यही किए थे, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इनको बोला ही जाता है, तो ये तो महान ही है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल इंटरक्रॉपिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पैरेलल इंटरक्रॉपिंग, इसमें जो राइट आंसर होगा वो शुगर केन और पोटैटो होगा। देखिए पैरेलल इंटरक्रॉपिंग या पैरेलल क्रॉपिंग उसे बोला जाता है जब दो क्रॉप को एक ही समय में एक पार्टिकुलर लैंड में ग्रो कराते हैं, ठीक है। जब किसी क्रॉप को एक ही समय में एक पार्टिकुलर लैंड पे में ग्रो कराते हैं, लेकिन वो जो क्रॉप होती है उनकी जो ग्रोथ की हैबिट होती है वो डिफरेंट होती है, यानी दोनों के बीच कंपटीशन नहीं होता है, नो कंपटीशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्रॉपिंग को हम लोग पैरेलल क्रॉपिंग कहा जाता है। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शुगर केन प्लस पोटैटो, ठीक है। अब बात यह है कि मतलब इसमें क्या है कि क्रॉप को एक क्रॉप मान लीजिए इस शुगर केन वाली लगा दिए और ये पोटैटो वाली लगा दिए, अब दोनों को एक ही टाइम पे लगाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या किए कि एक ही लैंड में ग्रो की जा रही है इनकी, लेकिन इनकी दोनों की ग्रोथ की जो हैबिट है वो अलग अलग है, ठीक है। ग्रोथ की हैबिट जो है वो अलग अलग है और इनके बीच कोई कंपटीशन नहीं है, इसे ही हम लोग कहते हैं पैरेलल क्रॉपिंग, और इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि मोथा बिलोंग्स टू दी फैमिली, देखिए मोथा की जो साइंटिफिक नेम है वो है साइप्रस रोटेंडस, ठीक है। अब साइप्रस आ गया तो फैमिली भी इसकी साइप्रेसी होगी, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्जिन ऑफ ब्रिंजल्स में ब्रिंजल की वर्जिन पूछ लिया है, ठीक है। अब ब्रिंजल की जो वर्जिन है, ब्रिंजल की वर्जिन है इंडिया, इसमें जो राइट आंसर होगा इंडिया। अब देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं ब्रिन, अभी हम याद करने का ट्रिक बता रहे हैं इसमें, ब्रिन जल, ठीक है, लिख दिए। अब ब्रिंजल में ही आई एन छुपा हुआ है,
ठीक है, आई एन छुपा हुआ है ना, बस आई एन से इंडिया याद रख लीजिएगा, बस क्लियर हो जाएगा, भूलेगा नहीं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो कोर्स ग्रेन्ड क्रॉप आर ग्रो ऑन तो अपलैंड एरिया, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपलैंड, अपलोडेड दिया गया है तो यहाँ अपलैंड होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसमें जो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ ग्रेन टू स्टाल्क इन पिजन पी इज, ग्रेन टू स्टाल्क इन पिजन पी पूछ रहा है, तो इसमें जो रेशियो होगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1:3, यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर हो गया। अगला कह रहा है, नेम ए सीरियल वेराइटी डेवलप बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग इन इंडिया, तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो जगन्नाथ ही होगा, और हमें पता है ये म्यूटेंट वेराइटी है पैडी की म्यूटेंट वेराइटी है, और जिस वेराइटी में म्यूटेशन कराया गया था, यानी जिस वेराइटी की म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा इसको तैयार किया गया था, T141 किसने किया था, M.S. स्वामीनाथन सर। ठीक है, क्लियर हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एरोइंग इज नोन एज, एरोइंग जो होता है खास करके एरोइंग और एरो जो होता है वो शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस होता है, शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एरो। एरो को एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ओपन पेनिकल। ठीक है, पेनिकल, तो ये भी याद रखिएगा, ओपन पेनिकल। अगर केवल पेनिकल की बात करें तो राइस, ठीक है, अगर ओपन पेनिकल की बात करें तो इसी एरो का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा, इमरजेंस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन शुगर केन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है रोगिंग से रिलेटेड है, तो रोगिंग में क्या है, रिमूवल ऑफ प्लांट अदर देन डिजायर्ड क्रॉप, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कुछ कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, लैंड पर मैन रेशियो, मतलब लैंड और मैन का जो रेशियो है इन इंडिया इस प्रेजेंट, तो कितना है, तो 0.15 हेक्टेयर। ठीक है, यही सही हो जाएगा, बी, कहीं कहीं दिया होगा 0.16। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो कहीं 15 कहीं 16, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरह से ये 21 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं। अभी हम लोग शाम में ही एक और वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग ट्रिकी कुछ चीज़ें याद करेंगे, तो ठीक है, देखते रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।